नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समय समय पर अपने तीखे तेवर की वजह से चर्चाओं में रहती है। एक बार फिर से वसुंधरा राजे का राजनीतिक कटाक्ष राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ओम माथुर के अभिनंदन समारोह में वसुंधरा राजे ने फिर से कटाक्ष की झड़ी लगा दी है। इस बार राजेंद्र राठौड़ सहित कई दिग्गज उनके निशाने पर रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने कहा कि जिन लोगों को पीतल की लौंग मिल जाती है वे खुद को सर्राफा समझने लगते हैं। प्रदेश में एक बार फिर से मानसून ने करवट ली है। कुछ दिनों की राहत के बाद राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र की वजह से राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी व तो अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं न कहीं तेज बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराव रायका की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग तेज होने लगी है। राजस्थान युवा शक्ति बेरोजगार संघ अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालते हुए भर्ती परीक्षा को रद्द करने की युवाओं ने मांग की। इसके साथ ही युवाओं ने भजनलाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भर्ती को जल्द रद्द नहीं किया जाता है तो युवा सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अपने आवास पर जनसुनवाई करते हुए पूर्व की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिया कुमारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 साल में राजस्थान का विकास रुक गया था। इसके साथ ही विशेष तौर पर विद्याधरनगर की जनता की अनदेखी कांग्रेस ने की थी, लेकिन अब भाजपा सरकार जनहित में कार्यों को लेकर लगातार काम कर रही है। बीजेपी सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने राहुल गांधी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर विवादित बयान दिया है। अविनाश गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस जोकरों की पार्टी है। इसके साथ ही अविनाश गहलोत ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी सनातन को नहीं समझते हैं। इसके साथ ही वह धरातल की बात नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की बैठक के बाद कई बड़े फैसलों पर मोहर लगी है। राजस्थान के युवा बेरोजगारों के लिए जहां 1 लाख भर्तियों की रूपरेखा को साझा किया गया, तो वहीं शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के बाद अब महिलाओं के लिए पुलिस भर्ती में भी बड़ी सौगात देते हुए आरक्षण को 30% से बढ़ाते हुए 33% कर दिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं-12वीं मेन एग्जाम 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि फिर से गुरुवार 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। अब बिना लेट फीस के साथ बढ़ी हुई तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। पूर्व में आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त निर्धारित थी, जिसे पहले 2 सितंबर और उसके बाद अब 5 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। परीक्षा के लिए अब तक 19 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आयोजित सभा में राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर घेरा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने जो अपना जनाधिकार दिया है उसके बाद भाजपा की मनमानी पर लगाम लगी है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की जनता से वादा करते हुए कहा कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने का रहेगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से परिवार की मुलाकात की अनुमति मांगी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। हनुमानगढ़ जिले के भादरा नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में आज कांग्रेस प्रत्याशी मुस्कान बानो भाजपा प्रत्याशी अनवर कुरैशी को 6 मतों से हराकर नगर पालिका अध्यक्ष बनी। मुस्कान बानो की दादी बैतून बानो के निधन के बाद पालिका अध्यक्ष पद खाली हुआ था, जिसके बाद आज हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुस्कान बानो को 23 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी अनवर कुरैशी को 17 मत मिले। इस दौरान सभी 40 पार्षदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।